दोस्तों प्रोफेशनलिज्म इज द ओनली थिंग विच सेट स्टोन फॉर योर सक्सेस अगर आप प्रोफेशनल हैं जैसे हम बारहा डिस्कस करते आए हैं कि अगर आप टाइम के पाबंद हैं अगर आप टाइम uh, फ्रेम के पाबंद हैं अगर आप प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स जो कि आप कमिट कर चुके हैं लेन देन कर चुके हैं एम्प्लॉयर के साथ उसके पाबंद हैं अगर आप सवालत इंपॉर्टेंट पूछते हैं विच इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट विच कुड हेल्प यू इन फिनिशिंग योर प्रोजेक्ट देन यू आर प्रोफेशनल राइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू डिलीवर अ प्रोजेक्ट ऑन दी ए ग्रीट टाइम लाइन तो भाई वाह वाह आप तारीफ के मुस्तक हैं क्योंकि आपके अंदर पूरा प्रोफेशनलिज्म है बट अगर ये बातें नहीं हैं और आप कहते हैं लाइट मोड में अच्छा चलो प्रोजेक्ट आएगा चल सो चले करते रहेंगे काम देख लेंगे आएगा और प्रोजेक्ट आके चला भी जाता है पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं टाइम का भी जया हो जाता है और आप भी परेशान हो जाते हैं ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर कभी भी आपके काम नहीं आएगा मिसाल के तौर पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म पे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और आप स्किल्स सीखेंगे लेकिन यह देखिएगा कि हर प्रोफेसर हर इंस्ट्रक्टर थॉर प्रोफेशनल है इसलिए कि यहां का इन्वायरमेंट ही थॉर प्रोफेशनल है वेन यू सेटअप दी इन्वायरमेंट अराउंड यू टू बी प्रोफेशनल वेन यू सेटअप दैट टोन

की जिंदगी के सबसे बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं कि वो दुनिया से कट हो गया उसने सूरज नहीं देखा उसने शाम नहीं देखी और वो बगैर शेफ की अगर मर्द हजरात हैं और बगैर बुलाऊ संगार के अगर ख्वातन हैं बस काम करी जा रहे हैं काम करी जा रहे हैं यह आपकी वो प्रोफेशनल टोन सेट नहीं करता इसी तरीके से जब आप फ्री लांसर फ्री लांसर मार्केट प्लेस में प्रोजेक्ट्स पर बिट करते हैं आपका प्रोफेशनलिज्म इज़ प्रोफेशनलिज्मी ओनली थिंग एम्प्लॉयर नोटिस यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल यू हैव टू बी डेलीजेंट यू हैव टू हैव दैट एनर्जी दैट वाइब्स विच यू आर सींग इन मी राइट नाउ क्योंकि यही वो एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म करती है नॉलेज और अट्रैक्ट करती है व्यूअर्स को विजिटर को और एम्प्लॉयर को आपको देखने के लिए क्योंकि अगर आपके अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही यकीन जानिए एम्प्लॉयर भी नेक्स्ट फ्रीलांसर की तरफ चला जाएगा जो आपसे ज्यादा एनर्जेटिक है जो आपसे ज्यादा प्रोफेशनल है जो आपसे ज्यादा फोकस्ड है और सबसे बात इंटरेस्टिंगली विलिंगनेस शो कर रहा है आपसे बात करने की प्रोफेशनलिज्म के चार रूल्स मैं आपको देके जा रहा हूं जो मैंने वक्त के साथ सीखे नीडलेस टू से अब हम वीडियोस में इतना आगे आगे हैं कि अब मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने तो बड़ा मार खा के तजर्बे से सीखा है मैं अपना तजर्बा आपको डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म पे फ्री ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं सीख लीजिए अपनी कॉपी और पेन को तैयार रखिएगा सो नंबर वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू हैव अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्स टू प्रोजेक्ट बी बीस आपकी कर्टसी डिटर्मन करती है कि इंप्लॉयर आपका रिस्पॉन्स आगे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मैं एक ऐसे फ्री क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटीज के साथ उठना बैठना है मैं यहां पर बहुत ट्रेनिंग देता हूं और हमेशा फ्री में ही देता हूं मैं जहां भी अपना लेक्चर देके आता हूं वहां पे मैं एक फेसबुक का ग्रुप बना जाता हूं उस ग्रुप में मैं बच्चों से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा आप अपनी बेड रिस्पॉन्स मुझ तक पहुंचा दें ताकि मैं देख लूं एक डॉक्टर को मरीज़ मिलेगा ही तो पता लगेगा ना अगर वो प्रिस्क्रिप्शन और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखेगा ही तो वो इलाज कर सकेगा इसी तरीके से मैं एज अ वेब डॉक्टर लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ मुझे अपना बेड रिस्पांस दे दें और मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जनाब आप एम्प्लॉयर को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं भाई आपकी गुड मॉर्निंग थी एन मुमकिन है जब वो रिस्पॉन्स देखे तो उसकी गुड इवनिंग हो प्रोफेशनलिज्म गया एम्प्लॉयर पुट ऑफ एम्प्लॉयर ने अगली लाइन नहीं पढ़नी बेशक आपने पी एच डी की हुई हो यकीन जानिए वैसे अगर आपने पी एच डी की हो तो आप गुड मॉर्निंग नहीं लिखेंगे तीसरी बात यहाँ पर जो मैंने गौर की है वो ये की है कि जब आप कर्टियस नहीं होते अपने रिस्पॉन्स में तो एम्प्लॉयर आपका नेक्स्ट पैरा तक पहुंचता ही नहीं है फ्रॉम अ बिजनेस रूल इट सेज इट टेक्स फाइव सेकेंड्स फॉर एन एम्प्लॉयर टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ अ फ्रीलांसर वो तभी आएगी जब आप स्टार्ट में कर्टियस होंगे पांच सेकेंड तो ये गए एक दो तीन चार पांच अब आपका आप पे डिपेंडेंट है आप पांच सेकंड में मेकअप कर डील करें या ब्रेकअप डील कर करें सो यू हैव टू बी कर्टियस इन योर रिस्पॉन्स सेकेंडली वट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द रिस्पॉन्स एंड दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज स्टे टू द पॉइंट दैट्स वॉट द प्रोफेशनलिज्म डिमांड्स। जो पूछा है उसी का जवाब दीजिए आई बी शाइन नहीं लगानी सो यू हैव टू बी स्पॉट ऑन विद योर रिस्पॉन्स थर्ड थिंग एज अपने काम के बारे में बताइए कि किस इंडस्ट्री के साथ काम किया हुआ है ये जब तक आप नहीं बताएंगे को क्या पता आप हैं कौन? फिर जनाब अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए अपना काम यानी कि यू आर टेलिंग एम्प्लॉयर अबाउट यूर वर्क इट कुड बी यूर पोर्टफोलियो इट कुड बी वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री यू वर्क विद आई एम ब्लस्ट टू वर्क विद फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज इन इन फिफ्टी ईयर्स डिफरेंट कैपेसिटी में चाहे वेब हो चाहे ग्राफिक्स हो अलहदुल्लह गॉड हैज बीन वेरी काइंड तभी तो माशा ये जो अर्निंग्स आपको नजर आई हैं मेरी स्क्रीन पर प्रीवियस वीडियोज़ पर वो ये ऐसा काम करने की वजह से आई पाँचवीं बात अगर स्टार्ट करती है सै तो एंड भी करती है चाहिए मिलते हुए असलकम क्या हाल है करते हैं ना तो जाते हुए भी अल्लाह खुदा हाफिज करके जाते हैं ना ऐसे तो नहीं होता कि जाते हुए हाँ लड़ाई हो जाए तो और बात है बट अगर आप एक, एक जनरल मीटिंग करते हैं तो इट स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स एंड इट एंड दैट्स हाउ यू नो रिलेशनशिप्स टिपिकली वर्क ऑल अराउंड द वर्ल्ड सो यू हैव टू बी कर्टियस इन द स्टार्ट यू हैव टू बी कर्टियस इन द एंड विद योर विद योर ग्रीटिंग्स एंड सेलूटेशन ये बहुत जरूरी है तमीज़ दिखाइए प्रोफेशनलिज्म इज वॉट मैटर्स इन द फ्रीलैंस मार्केट प्लेस याद रखिएगा योर एम्प्लॉयर इज सेवन ओशस अक्रॉस सात समुंदर पार ना आप मिल सकते हैं ना आप गले मिल सकते हैं ना आप हैंडशेक कर सकते हैं ना आप कन्विंस कर सकते हैं द ओनली थिंग यू कैन कन्विंस योर एम्प्लॉयर इज विद योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्स बी प्रोफेशनल विद योर रिस्पॉन्स दिस इज हाउ यूल सेट अप द टोन फॉर ग्रैबिंग एम्प्लॉयर्स अटेंशन